हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो हाफ पार्ट रह गया उसको कवर करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने 7 पॉइंट कवर करा दिया, आज जितने रहते हैं वो सारे कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। प्राइस लेवल में आता है कि जो बहुत ही हाईली प्राइस गुड्स होती हैं उस केस में जो डिमांड होती है कहते हैं उनके इन इलास्टिक होती है। जैसे डायमंड हो गया, ज्वेलरी, कॉस्टली कारपेट एटसेट्रा, कहते जो ये बिल्कुल ही हाईली रेटेड होती हैं, हाई प्राइज्ड होती हैं, इनकी जो डिमांड इन इलास्टिक पाई जाती है। चेंज इन प्राइस ऑफ दिस गुड्स कॉज लिटल चेंज इन देयर डिमांड, कहते हैं कि अगर प्राइजेज होते हैं इनका वो चेंज हो जाता तो थोड़ा ही कम ही चेंज हमें डिमांड में देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं डायमंड, ज्वेलरी, कॉस्टली कारपेट, ये खरीदे जाते हैं अमीर लोगों द्वारा जो शो करते हैं उनके स्टेटस को। तो जितने ये ज़्यादा महंगी होते हैं उसको उतना खरीदना वो पसंद करते हैं ताकि उनका जो लेवल होता है सोसाइटी में अप दिखे। तो इस केस में जितने ये महंगे होंगे उतना इसका मतलब कि जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट हमें कम देखने को मिलेगा। ऐसे ही कहता है जो बहुत ही लो प्राइस गुड्स होती हैं वो भी इन इलास्टिक डिमांड रखते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड, चीप वेजिटेबल्स, मैच बॉक्स एटसेट्रा, क्योंकि ये बहुत सस्ती होती हैं। चेंज इन द प्राइस ऑफ दिस गुड्स कॉज लिटल चेंज इन देयर डिमांड, कहता है अगर इनके प्राइस में चेंज आता है तो बहुत ही थोड़ा चेंज हमें डिमांड में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ कहता है जो मीडियम प्राइस गुड्स होती हैं जो ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती ना ही बहुत ज़्यादा सस्ती होती, तो उस केस में उनकी डिमांड क्या होती है इलास्टिक यानी कि चेंज हो जाती है। जब उनके प्राइजेज कम हो जाते हैं तो उसके कारण से जो डिमांड क्या रहते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिमांड चेंज हो रही है, इस कारण से क्या हो जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। ये किस केस में लागू होती है, जब गुड्स ना ही तो ज़्यादा महंगी ना ही ज़्यादा सस्ती होती है, यानी कि अगर गुड्स हाईली रेटेड हैं डिमांड इन इलास्टिक, अगर गुड्स वेरी लो रेटेड हैं तब भी गुड जो डिमांड है बहुत इन इलास्टिक, अगर वो बीच में आती है ना ही ज़्यादा महंगी ना ही ज़्यादा सस्ती तो उस केस में डिमांड क्या होती है चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है टाइम, कहता है जो डिमांड होती है गुड्स की वो शॉर्ट टर्म के अंदर इन इलास्टिक रहती है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में एडजस्टमेंट करने का टाइम नहीं होता क्योंकि वो टाइम बहुत ही कम होता है। तो जो चीज़ कंज्यूमर को जिस रेट पे मिलती है तो उसको उसी रेट में वो खरीदनी पड़ती है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है इन इलास्टिक होती है, जबकि लॉन्ग पीरियड में क्या होता है वो इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में इतना टाइम मिल जाता है कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी, ईजिली वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई को। ऐसे इसलिए होते हैं कहते हैं क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो चेंज करता है अपनी हैबिट को लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि लंबे टाइम के बाद तो इंसान की जो हैबिट होती हैं आदतें होती हैं वो भी चेंज हो जाती है, जिस कारण से जो डिमांड क्या कर रहता है वो शिफ्ट कर लेता है। तो इस कारण से इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है इलास्टिक हो जाती है। फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड देयर फॉर लीड्स टू मोर एक्सटेंशन इन इट्स डिमांड इन द लॉन्ग रन, कहता है कि अगर प्राइस कम हो जाता है तो इस कारण से जो डिमांड है लॉन्ग रन के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड होते हैं जिसको हम इकट्ठा ही डिमांड करते हैं, यानी कि एक डिमांड को पूरा करने के लिए, एक जरूरत को पूरा करने के लिए हम दो चीज़ों को इकट्ठा ही खरीदना पड़ता है, जॉइंटली खरीदना पड़ता है। तो उस केस में डिमांड क्या होती है इन इलास्टिक होती है, जैसे कार और पेट्रोल, अगर कार लिए तो पेट्रोल लेना ही लेना पड़ेगा, पेन लिए तो इंक लेनी ही लेनी पड़ेगी, कैमरा लिए तो फिल्म लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जॉइंटली डिमांड करते हैं जब, उस केस में तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है इन इलास्टिक हो जाती है। राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल में नॉट कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड, कहता है अगर प्राइस हाई भी हो जाते हैं पेट्रोल के तो उस कारण से डिमांड जो होती है वो कम नहीं होने वाली उसकी, क्योंकि इफ देयर इज नो फॉल इन द डिमांड ऑफ कार, कहता है अगर कार की डिमांड कम नहीं हो रही है, कार की डिमांड कम नहीं हो रही है, अगर पेट्रोल बेशक ज्यादा भी महंगा हो जाए तब भी कंज्यूमर खरीदेगा खरीदेगा उसको, क्योंकि कार बिना पेट्रोल का चलने वाली है नहीं। इस कार से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है यहाँ पे इन इलास्टिक हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड होती है जो लंबे टाइम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने एक बार खरीदा है और उसको लंबे टाइम तक हम इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स जैसे टीवी हो गया, कार, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, वंस दे और परचेज, कहता है जब हमने एक बार उसको खरीद लिया, दे आर, कहता है कि ये यूज़ की जाती हैं बहुत लंबे टाइम तक, इसी कारण से कहता है जो इनके प्राइस होते हैं अगर कम भी हो जाते हैं
डिमांड डज नॉट एक्सपेंड बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार फ्रिज खरीद लिया आज की डेट में वो सस्ता तो मैं उसको दोबारा फिर खरीद लूँ, नहीं, क्योंकि ये ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, लंबे टाइम तक इसको इस्तेमाल करते हैं, बाद में चाहे उसका प्राइस कम भी हो जाए तब भी हम उसको दोबारा नहीं खरीदने वाले, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो फ्रिज खरीद ली है। बिकॉज परचेज हैव ऑलरेडी बीन मेड, क्योंकि परचेज क्या की गई है, पहले से की गई है। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इसी कारण से कहता है टेंड्स टू वियर, कहता है कि जो डिमांड होती है ड्यूरेबल गुड्स की वो क्या हो जाती है, लेस इलास्टिक होती है, यानी कि चेंज कम आता है इसमें शॉर्ट पीरियड के अंदर, और ज़्यादा इलास्टिक कब होती है लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर इतना टाइम होता है एडजस्टमेंट कर सकता है कंज्यूमर। एग्जाम्पल के लिए कहता है जो एग्जिस्टिंग टूथब्रश मस्ट वियर आउट, कहता है अगर मान लो एग्जिस्टिंग टूथब्रश है वो वियर आउट हो गया बिफोर ए न्यू टूथब्रश परचेज, कहता है नया टूथब्रश खरीदने से पहले। तो दूसरी तरफ कहता है कि जो डिमांड होती है रिलेटेड इलास्टिक होते हैं उस केस में जब गुड्स क्या होते हैं पेरिशेबल होते हैं, जैसे मिल्क और वेजिटेबल। मिल्क और वेजिटेबल में क्या होता है ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इस कारण से इसको पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। तो इस केस में जो डिमांड होती है वो क्या होती है इलास्टिक होते हैं, चेंज होती रहती है, यानी कि ड्यूरेबल केस में क्या होती है इलास्टिक होती है, यानी एक बार खरीदे तो बाद में चाहे बेशक वो सस्ती मिले तब भी हम खरीदने वाले हैं नहीं उसको, लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं उस केस में क्या होती है इलास्टिसिटी और डिमांड इलास्टिक होते हैं, जिसको बाद में मतलब कि चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है रिक्रूटमेंट ऑफ डिमांड, रिकरेंस ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड कैसे रिकर हो रही है, मतलब रिकर होते हैं रेगुलर नेचर पे जिसे बोलते हैं। कहते हैं इधर डिमांड फॉर कमोडिटीज रिकरिंग नेचर, यानी कि क्या हो रही है रेगुलर नेचर पे करते हैं। इट्स प्राइस इलास्टिक इज हायर दैट, कहते हैं इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है हायर दैट दैट कमोडिटी ऑफ विच इज परचेज ओनली वंस, कहता है कि जिसको अभी एक बार खरीदते हैं उसकी कंपेरेटिवली इस केस में इसकी इलास्टिक डिमांड क्या होती है रिकरिंग वाले रिकरिंग डिमांड के केस में क्या होती है वो इलास्टिसिटी हायर होती है। फॉर इंस्टेंस जैसे बाइसिकल टेप रिकॉर्डर रेडियो एक्सेट्रा आर परचेज ओनली वंस, कहते हैं जैसे बाइसिकल हो गया टेप रिकॉर्डर हो गया रेडियो हो गया सिर्फ एक ही बार जो खरीदे जाते हैं, हैज देयर प्राइस इलास्टिसिटी विल बी लेस, तो यहाँ पे इनकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहती है लेस होती है कम होती है, लेकिन जो डिमांड होती है कैसेट की टैप स्पोर्ट की स्पूल्स की वो क्या रहती है मोर प्राइस इलास्टिक रहती है। वो उसके में क्या होता है कि कैसेट वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं टेप स्पूल्स होते हैं इस केस में इलास्टिक डिमांड क्या रहती है वो मोर प्राइस इलास्टिक रहती है। अदर फैक्टर्स में हमारे आ जाते हैं इनको छोड़ के जो अदर रह जाते हैं जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इलास्टिसिटी डिमांड आर, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी है इन रिलेशन टू द परचेज ऑफ ए कमोडिटी इफ द गवर्नमेंट डज नॉट अलो द परचेज ऑफ सर्टेन गुड, कहता है अगर मान लो कुछ गुड्स के केस में ऐसा होता है कंज्यूमर को अलो नहीं किया जाता उन गुड्स को खरीदना तो यहाँ पर जो डिमांड होती है उसकी क्या रहती है इन इलास्टिक रहती है। इफ़ देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर इम्पोज नहीं किया है तो यहाँ पे जो परचेज होती है कम्युनिटी के रिगार्डिंग तो कहता है डिमांड क्या रहेगी उस केस में इलास्टिक हो जाएगी। जो अर्जेंसी ऑफ डिमांड होती है यानी कि जिसको डिमांड पूरी करने के लिए अर्जेंट यानी जो जरूरी होती है द मोर अर्जेंट द डिमांड ऑफ कम्युनिटी भी मोर इन इलास्टिक डिमांड, कहता है जो बिल्कुल अर्जेंट चीज़ें होती है वो हमें खरीदनी ही खरीदनी पड़ती हैं तो उस केस में इलास्टिसिटी डिमांड क्या रहती है इन इलास्टिक रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिगरेट फॉर स्मोकर, जो स्मोकर के लिए सिगरेट मस्ट है। बेटल्स फॉर बेटल च्यूअर्स, कहते हैं जो बेटल्स च्यूअर्स होते हैं उनके लिए बेटल्स जरूरी होती हैं तो वो डिमांड करेंगे करेंगे चाहे हाई प्राइस हो जाए चाहे लो प्राइस हो जाए, तो यहाँ पे उनकी इलास्टिक डिमांड क्या रहती है इन इलास्टिक रहती है। इस तरीके से बच्चे फैक्टर थे जो डिटरमाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराऊंगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक टोटल कवर करवा दिए मैंने एक एक करके टॉपिक आपको। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें।